जय साथियों, जैसे कि आप लोग कमेंट किए थे कि सर आरपीएफ का कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है उसके बारे में वीडियो बना दीजिए, तो मैं सोचा चलो जो कमेंट्स आए उन्हीं पे मैं वीडियो बना देता हूँ, तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए मैं बारी बारी से मैं जितने इवेंट्स हैं उसके मैं क्लियर करता हूँ। तो इसमें फिजिकल में होता है रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और चेस्ट, और कितने कितने टाइम्स दिए जाते हैं और 1600 मीटर में कितने समय दिए जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो मैं दोनों को साथ साथ में क्लियर करते जाऊंगा। मैं कुछ डाटा लिख के लाया हूँ जो कि बोलने में आसानी होगा हमको, जब कुछ भी मैं भुलाऊंगा तो मैं इसमें से देख लूँगा। तो सबसे पहले रनिंग होगा, रनिंग 1600 मीटर और 800 मीटर रनिंग होता है। 1600 मीटर हो गया मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, और 800 मीटर रनिंग हो गया फीमेल के लिए यानी महिला के लिए। दोनों को टाइम दिया जाता है अलग अलग। मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में पास करना है और फीमेल के लिए 3 मिनट और 30 सेकेंड में पास करना है। दूसरा इवेंट आता है हाइट, उसमें नापा जाता है हाइट के साथ साथ चेस्ट ले लिया जाएगा। तो फीमेल का ओनली हाइट होता है, चेस्ट नहीं लिया जाता है। और मेल के बारे में बता देता हूँ कि उसमें SC ST OBC जनरल का अलग अलग हाइट है। OBC और जनरल हैं तो 160 सेंटीमीटर्स और SC ST हैं तो 160 सेंटीमीटर्स। मैं दोबारा बता देता हूँ, मिस्टेक हो गया होगा। तो OBC और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर्स एंड SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर्स। क्लियर होगा, हो गया होगा। और फीमेल के लिए OBC जनरल के लिए 157 सेंटीमीटर्स एंड SC ST की जो महिलाएं हैं उनके 152 सेंटीमीटर्स। एक क्लियर हो गए होंगे। आता है बात सेकंड चेस्ट के ऊपर। तो मेल का जो जनरल OBC हैं उनका चेस्ट 80 to 85 यानी कि 80 से 85, 80 बिन फुलाए हुए और 85 फुलाने के बाद। बात आती है SC ST की तो 79 से 84 यानी कि 79 से 84 बिन फुलाए हुए, 79 और फुलाने के बाद 84, इसमें फीमेल का नहीं लिया जाता है। तो ये आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। अगला इवेंट आता है हाई जंप और लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप मेल के लिए बता देता हूँ, लॉन्ग जंप में 2 बार चांस दिया जाएगा, ओनली 2 टाइम्स। लोग बोलते हैं 3 टाइम्स दिए जाते हैं लेकिन नहीं, 2 टाइम्स दिए जाते हैं। 2 बार में पास हुए तो हुए, न तो डिस्क्वालीफाई वहीं से। तो लॉन्ग जंप में मेल के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। तो ये क्लियर हो गया होगा, 14 फीट और 9 फीट 2 बार में पास करना है। अगर 1 बार में नहीं पास हुए तो 2 बार में आप लोगों को पास करना ही होगा, नहीं तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहीं से। फिर आता है लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो हाई जंप है 4 फीट और 3 फीट। तो 4 फीट है मेल के लिए जो कि उसको भी 2 बार चांस दिया जाएगा, और फीमेल के लिए 3 फीट है जो कि उनको भी 2 बार चांस दिया जाएगा। आई होप ये सब आप लोग इवेंट्स जितने मैं बताया हूँ आप लोग ये इवेंट्स में कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। और नेक्स्ट आता है, जब ये सब क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट आता है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस टाइम आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भी ले जाना पड़ेगा, ताकि ये सब पूरा इवेंट्स हो जाए तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जाता है। तो आप लोग का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा। मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जाता है। तो अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम छूट गया होगा घर पे तो आपको चांस दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम में कि इतना इतना टाइम में आप आइए डॉक्यूमेंट्स पूरा लेकर, लेकिन उस टाइम भी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स कुछ ले जाना पड़ेगा। ये हो गया सारी बातें।
तो आई होप ये सब वीडियो से आप लोगों को मदद मिले। मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट हो सके और अगला वीडियो लाने के लिए मैं उत्सुक हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा 1,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं जल्दी मैं 1,000 सब्सक्राइब के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और इसी तरह मैं वीडियो बनाते रहूंगा, आप लोग को हेल्प होते रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।